देखो, यानी कि ये साइंटिस्ट के अंदर में डिबेट था कि पानी प्लांट में कैसे जाएगा, एसेंट ऑफ सैप। दो थ्योरी हमने पढ़ा, मेन थ्योरी कौन है, ट्रांसपीरेशन। हाँ, रूट प्रेशर भी होता है, हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन पानी को ऊपर भेजने में इसका ज्यादा काम, और हायर प्लांट में तो ज्यादा काम है ही नहीं। हायर प्लांट में बस सपोर्ट करना है उसे, जब ट्रांसपिरेशन पुल इनॉर्मस टेंशन में होगा ना, तो बस वहां पर पानी के रीस्टैब्लिश, जो पानी की कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करने का काम ये संभालेगा। छोटे मोटे प्लांट में दिख जाते हैं, गटेशन से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है, एक्सुडेशन से ये प्रूफ होता है कि रूट में कुछ प्रेशर तो है, मैं निग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 to 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो सफिशियंट तो नहीं है। ठीक, चलो अब हम लोग आगे एक टॉपिक पे आते हैं, दिस इज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ट्रांसपीरेशन के टाइम भी नहीं है, आपको बस बताना है एनसीईआरटी का लाइन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन 3 तरह के होते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, स्टोमेटा से होगा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो मैक्सिमम होता है, लगभग 85 to 90% यहीं से हो जाएगा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। कुछ ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल से होते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम अमाउंट में होता है एक ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर। बोले सर ये क्या होता है लेंटिकुलर? लेंटिकुलर जो स्टेम में छोटे पोर्स होते हैं लेंटिसेल, उनसे कुछ पानी रिलीज हो जाता है, बहुत ही कम है, 0.01 निग्लेक्ट के आसपास मानिएगा, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो मेनली ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से, और स्टोमेटा में जो इपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, वहां से होता है। तो ये दोनों लीफ के थ्रू हुए, इसलिए कहते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में क्या याद रखना है, मेन चीजें, ठीक, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्टोमाटा में सबसे पहले एक गार्ड सेल होगा, इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर हो, गार्ड सेल हैव सम यूनिक फीचर, ऑलरेडी एनाटॉमी में पढ़ रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, गार्ड सेल इज द स्पेसिफिक सेल ना, ये मॉडिफाइड सेल है इपिडर्मल सेल का, जिसके अंदर के जो दीवार होगी वो मोटी होगी और बाहर की दीवार पतला होगा, डिफरेंशियल थिकनिंग, ये नीट के पेपर में क्वेश्चन आ चुके, अंदर का दीवार मोटा, बाहर का दीवार पतला, डिफरेंशियल थिकनिंग, थिकनेस में डिफरेंस, डिफरेंशियल थिकनिंग। सेकेंड चीज, गार्ड सेल मॉडिफाइड है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इपिडर्मिस के सेल क्लोरोप्लास्ट नहीं रखते, इपिडर्मिस के सेल क्लोरोप्लास्ट नहीं रखते, ठीक है। तीसरा तीसरा दे हैव सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल जो रेडियली अरेंज होंगे, नॉट हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं होगा, रेडियली अरेंज्ड होंगे, रेडियली अरेंज्ड होंगे, तो ये याद रहेगा। फिर से बोल दूं, गार्ड सेल किससे बना है, ये देखिए, ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस, इसी इपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बना है गार्ड सेल। गार्ड सेल, तो गार्ड सेल हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंशियल थिकनिंग, अंदर में दीवार मोटा, बाहर में पतला, ठीक है, अंदर में सेकेंडरी वॉल भी होगा, बाहर में केवल प्राइमरी, क्लोरोप्लास्ट होगा, यही बड़ा सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और तीसरा हो जाएगा सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। अब दे आर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल में कोई डिफरेंशियल थिकनिंग नहीं है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बट दे आर रिच इन मिनरल्स लाइक द पोटेशियम एंड द क्लोराइट। एक क्वेश्चन बन जाएगा, पोटेशियम एंड क्लोराइड इज मेन एलिमेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मेनली अगर प्रेफरेंस देना पड़े, पोटेशियम बोलिएगा, क्लोराइड नहीं बोलिएगा ना, एनसीईआरटी में केवल पोटेशियम लिखा है, चलिए ठीक है। गार्ड सेल ठीक हो गया, सब्सिडियरी सेल हो गया, सर खुलता क्यों है, बंद क्यों होता है, एक सिंपल सी कहानी से सुन लेते हैं, सिंपल सी कहानी से सुन लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बच्चों वाली कहानी बता दूंगा। अभी सुबह का टाइम है,
अभी तक गार्ड सेल बंद है, गार्ड सेल बंद है, देखिए गार्ड सेल अभी बंद है, ये गार्ड सेल ऐसा है यानी स्टोमाटा बंद, गार्ड सेल क्यों, स्टोमाटा बंद है। लॉजिकल चलते, लॉजिकल चलते, किसी भी तरह से ध्यान से सुनना, किसी भी तरह से आपको गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है, किसी भी तरह से गार्ड सेल यानी जीसी गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना है। सर कैसे बढ़ा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, सॉल्यूट ऐड करने से, सॉल्यूट ऐड करेंगे ओपी इक्वल टू सीआरटी इनटू आई, ओपी इनटू सी, सी क्या होता है अमाउंट बाय वॉल्यूम, अमाउंट को बढ़ाइए, कुछ सॉल्यूट को ऐड कीजिए, मिनरल्स को ऐड कीजिए, सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेंगे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो अंदर आएगा पानी, अंदर आएगा पानी, इसे कहेंगे इंडोस्मोसिस, पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो एक स्वेलिंग होगा और टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा, पानी अंदर आएगा स्वेलिंग होगा, जो पानी है वो दीवार पे प्रेशर लगाएगा, टर्गर प्रेशर, अंदर का दीवार मोटा ढकेल नहीं सकते, बाहर का दीवार पतला ढकेल सकते हो, तो हमने प्रेशर क्रिएट किया, टर्गर प्रेशर बढ़ाया, बाहर का दीवार पतला होने के चलते वो इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा, इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा, देखिए इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बाहर की तरफ लगा। सर पानी आ रहा है स्ट्रेचिंग, इसलिए तो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, और स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करो और फाइनली स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। सिंपल से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी तरह से गार्ड सेल में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, पानी अंदर आएगा, इंडोस्मोसिस, स्वेलिंग होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर क्या होता है, दीवार पे कितना प्रेशर लगता है, तो बाहर का दीवार पतला है, ढकेला गया, तो दीवार को दोनों तरफ से अगर ढकेले, दोनों सेल अपने बाहर के दीवार को ढकेले तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और एनसीईआरटी कहती है क्रिसेंट शेप ले लेगा, क्रिसेंट शेप ले लेगा, यानी इसके बारे में बात कहा गया, बीच में एक पोर बन जाएगा, क्रिसेंट शेप ले लेगा और ओपन हो जाएगा। ठीक, रात में उल्टी काम करनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर घटाना है, एग्जोस्मोसिस होगा, पानी बाहर निकलेगा, टर्गर प्रेशर घटेगा, वापस से ये लौटेंगे तो ये जो क्रिसेंट शेप है, ये जो स्टोमाटा पोर था वो बंद हो जाएगा, यही कहानी है आप। लेकिन सर इसके कई सारे मॉडल है, इसके कई सारे मॉडल दिए गए, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि देखो सर मैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को, बोले हाँ कीजिए भाई ना, उसने बोला देखो यहां क्लोरोप्लास्ट है, सुबह होगा क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, सुबह होगा क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज अगर बढ़ गया तो देखो ना सॉल्यूट का अमाउंट तो बढ़ गया ना, सोचो। उस साइंटिस्ट का ये मानना था कि इसमें क्लोरोप्लास्ट क्यों है, क्लोरोप्लास्ट है तो सुबह में फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज अगर अमाउंट बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, अंदर में पानी आएगा, एंडोस्मोसिस होगा, स्वेलिंग होगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा डिमेरिट निकला, यहां का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर में रुबिस्को एब्सेंट है, यहां का जो क्लोरोप्लास्ट है वहां रुबिस्को एब्सेंट है, अगर रुबिस्को नहीं है तो C3 साइकिल यानी ग्लूकोज बनना केल्विन पाथवे नहीं होगा, ग्लूकोज तो बनेगा ही नहीं, ग्लूकोज तो बनेगा ही नहीं, तो इन भाई साहब का थ्योरी गया गलत। सर क्लोरोप्लास्ट है तो रुबिस्को नहीं है, मतलब यहां पर पाया जाएगा पेप्को, यहां बच्चा पाया जाएगा पेप्को, यहां पर ग्लूकोज नहीं, रुबिस्को की जगह क्या पाया जाएगा पेप्को ना। जो मॉडर्न थ्योरी है सबसे बेस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो लेविट साहब का है, लेविट साहब का है, जिन्होंने मैलेट पोटेशियम मैलेट का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने पोटेशियम मैलेट प्रोटॉन पंप का मॉडल का दिया, बस यही जानना है। लेविट साहब का मानना था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, सिंपल एनसीईआरटी में नहीं है, सिंपल सा कंक्लूड करता हूं, इनका मानना था रुबिस्को नहीं है ना मत रहने दो, सुबह का टाइम होगा क्या करेंगे, सुबह का टाइम होगा जब CO2 आएगा, इनके पास पेप्को एंजाइम है तो ये क्या करेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से CO2 को बाइंड करेगा, C4 साइकिल याद कीजिए, उससे बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा मैलिक एसिड, इन्होंने बोला C4 पाथवे चलाएगा, C4 पाथवे की तरह मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड टूट जाएगा मैलेटाइन एंड H+ में, मैलिक एसिड टूट जाएगा H+ और मैलेटाइन,
एच प्लस बाहर निकल जाएगा, एच प्लस बाहर निकल जाएगा ना, एच प्लस बाहर चला जाएगा तो अंदर में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एच प्लस सारा बाहर जा रहा है, तो जब नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो एक चैनल ओपन हो जाएगा ना, एक चैनल पंप ओपन होगा जिसे कहेंगे ना, और इस पंप से ना, इस चैनल से मिली द चैनल, हाँ पोटेशियम अंदर आएगा, मेनली अंदर कौन आएगा, पोटेशियम, तो अंदर में एक्सचेंज हुआ, एच प्लस बाहर गया अंदर में पोटेशियम आया, तो क्या हो गया भाई, अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ा और पोटेशियम मैलेट से बाइंड करके पोटेशियम मैलेट बनाएगा, पोटेशियम मैलेट बनाएगा, और पोटेशियम मैलेट ऑस्मोटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर कई गुना बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इंडोस्मोसिस होगा, सेल टर्जिट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा और ये स्टोमाटा ओपन होगा, ये लेविट साहब का मानना था, जो कि बेस्ट मॉडल है, जो कि बेस्ट मॉडल है, तो आपको ज्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है कुछ मैलेट आयन का, पोटेशियम मैलेट का कहानी था, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, चलो ठीक। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग आगे चले, आगे चले हम लोग, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, ये C3 प्लांट C4 प्लांट, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, फटाफट लाइन सुनिए, बेस्ट कौन है, C4 एनसीईआरटी में लिखा है, मान लो बेटा एक घंटे में, एक आवर का एक्सपेरिमेंट किया, C3 ने 100 ग्लूकोज बनाया तो एक घंटे में C4 200 बनाएगा, ट्वाइस दोगुना रेट से फोटोसिंथेसिस करेगा, इसने 100 ग्लूकोज बनाया, इसने 200 बनाया, बेटर कौन हुआ, C4, क्यों बनाया, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अब ट्रांसपिरेशन की बारी, ये देखिए ये लीफ है, लीफ है तो यहां स्टोमेटा है, स्टोमेटा किस लिए खुलता है, क्योंकि अंदर में CO2 ले चल सके और O2 को रिलीज कर सके, CO2 अंदर ले सके, O2 को रिलीज करे, लेकिन गलती से पानी भी निकल जाता है, आपने दरवाजा खोला कि आपके पापा आएंगे, कोई गलत आदमी आ गया, आपका मोटो क्या था, स्टोमेटा क्यों खुलता है, सर CO2 और O2 का मेन एक्सचेंज करना है, लेकिन गलती से पानी बाहर निकल गया, तो C3 में एक CO2 लेने के लिए लगभग 600 वाटर मॉलिक्यूल खर्च करना पड़ता है, 600 वाटर मॉलिक्यूल एक CO2 को लेने के लिए, लेकिन C4 बोलता है हाफ, एनसीईआरटी का लाइन है हाफ, उसे लेना पड़ता है बेटा 300, तो यहां पर बच्चा स्टेटमेंट में कंफ्यूज करता है, C3 C4 में कंपैरिजन, फोटोसिंस का रेट C4 में दोगुना रेट से होगा, अच्छी बात, ट्रांसपिरेशन का रेट हाफ होगा, अरे तुम 100% कर रहे हो, हम 50% से काम चला लेंगे, तो ट्रांसपिरेशन भी कम, फोटोसिंस का रेट भी डबल, इसलिए C4 बेस्ट, मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी का डाटा मैंने उठाया, देख लीजिए, जहां जहां आप फंसते हैं मैं वही लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां जहां आप फंसते हैं आप देख लीजिए एनसीईआरटी में ये वर्ड मिला क्या आपको, चलिए पढ़ लीजिए, द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम, देखिए तो पढ़िए, द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज प्रोबेबली ऑन वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमाइजिंग द अवेबिलिटी ऑफ CO2 ज्यादा पकड़ मिलेंगे वाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, पानी का लॉस कम, CO2 का इंटेक ज्यादा, C4 प्लांट आर ट्वाइस मतलब दोगुना एज इफिशियंट, दोगुना रेट से फोटोसिंथेसिस ना, यही लिखा है ना, C4 आर ट्वाइस एज इफिशियंट एट C3, दोगुना रेट से फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, हाउएवर एज C4 लॉसेस ओनली हाफ, वो करता था 600, ये करता है 300, तो भाई दोनों में बेस्ट हो गए, दोनों में बेस्ट हो गए, चलिए मेरे में से फटाफट हैंड रेस करो, शायद ये पहले दिक्कत होता था, शायद समझ में आना चाहिए, कैसे होता है ये फोटोसिंथेसिस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में एक्सप्लेन करेंगे, चलिए सर ट्रांसपिरेशन से कोई फायदा वायदा है कि टाइम पास है, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने यहां पर 4 लाइन दिया है, कभी क्वेश्चन आए बोलेगा ट्रांसपिरेशन का सबसे बेस्ट फायदा, ये मत बोलिएगा पानी को चढ़ाना फोटोसिंथेसिस के लिए पानी लाना, नहीं, मेन फायदा
टेम्परेचर को घटाना, 10 to 15 degrees Celsius टेम्परेचर घटाता है। अगर गर्मी के दिनों में टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, एंजाइम काम ही नहीं करेगा, प्लांट का सर्वाइवल ही नहीं होगा। इसलिए मेन अगर पूछा जाए तो ये जो कूलिंग इफेक्ट देता है तो ये टेम्परेचर घटाने का काम है। बाद में एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे, बाद में मिनरल का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ये बाद की कहानी। चलो आगे चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने कुछ नया चीज सीखा, आई थिंक काम आएगा तुम्हारा। चलिए यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, अपटेक ऑफ मिनरल्स, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में क्या लिखा, अनलाइक वाटर, पहला लाइन को पढ़ी, पानी का एब्जॉर्प्शन मोस्टली पैसिव। सर क्यों? क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप मेनली रेगुलेट ट्रांसपीरेशन, मेनली रेगुलेट ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो ताकत है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपीरेशन वो ताकत है जिससे पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, अपने आप मिट्टी से रूट में आता है, हम एनर्जी खर्च नहीं करते, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ना लिखा है। लेकिन मिनरल्स का उल्टी कहानी, अनलाइक वाटर लिखा ना, मिनरल्स बोलता है ए ए मिनरल तू तो बाहर अंदर, बाहर में मिट्टी में कम है, अंदर में ज्यादा है। एनसीईआरटी का ये लाइन है, बच्चा कंफ्यूज, सर मिट्टी में तो मिनरल्स ज्यादा होगा, अंदर तो कमी होगा ना। क्या लिखा, डेंसिटी लिखा। क्या लिखा, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर क्या लिखा, ये देखिए, ये 100 मिनरल्स कैल्शियम मान लो। अरे बाहर में लाखों कैल्शियम होंगे, लेकिन कैल्शियम दूर दूर है ना। डेंसिटी देखिए ना, कंसंट्रेशन दिखा ना, पर यूनिट एरिया देखिए ना, पर यूनिट एरिया देखिए ना। अरे मिनरल बाहर ही में तो ज्यादा होंगे, मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमने क्या देखना है, डेंसिटी देखना है, हमें कंसंट्रेशन देखना है। इस एरिया में, इतने बड़े एरिया में 100 कैल्शियम यहां, इसलिए लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, कम डेंसिटी से ज्यादा। अगेंस्ट कंसंट्रेशन गया, एटीपी खर्च कीजिए तो एक्टिव होगी। दूसरा चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज को लाने के लिए कैरियर प्रोटीन तैयारी नहीं है। चार्ज है, पंप से जाएगा, हम नहीं ले जाएंगे, तो बेटा फिर से चाहिए तुम्हें क्या, एटीपी चाहिए। तो मोस्टली हो गया एक्टिव, फ्यू पैसिव होगा। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, एनसीईआरटी के लाइन को लास्ट में पढ़िए, सम आयंस आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली, सम, ठीक है, लेकिन मोस्टली आएगा एटीपी करिए। क्यों, दो रीजन, एक तो चार्ज मॉलिक्यूल का अंदर आना पंप ले जाएगा, दूसरा मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, बाहर कंसंट्रेशन कम, अंदर ज्यादा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन एटीपी खर्च। चलो अब आइए, रूट के अंदर चला गया, एपिडर्मिस को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, अब इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस बोलेगा नहीं जाने देंगे, तो एपिडर्मिस से क्रॉस किया, कॉर्टेक्स से क्रॉस किया, इंडोडर्मिस बोलेगा रुको, मेरे पास में भाई बहुत सारे स्पेशल कैरियर प्रोटीन है, स्पेशल कैरियर प्रोटीन है, मैं सिलेक्ट करूंगा, क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी। एनसीईआरटी के लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यहां पर एनसीईआरटी के लाइन को देखिए, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी लिखा है, मतलब 100 सोडियम चाहिए था, जाइलम में 100 सोडियम चाहिए था, जाइलम एक बार आ गया ट्रांसपीरेशन पुल से तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन बोला गया ए 100 आ गया है ना, एंडोडर्मिस बोलेगा तू भाग, अब तुझे अंदर नहीं लूंगा, 100 का रिक्वायरमेंट था, मेरे अंदर 100 आ गया, मैं जाइलम में भेजूंगा, अब नहीं जाएगा तू, क्वांटिटी का कंट्रोल इंडोडर्मिस। क्वालिटी, सर सोडियम ले जाने दे, हाँ, कैल्शियम ले जाने दे, पीबी आया सर, लेड आया है, एचजी आया सर, हे टॉक्सिक है, भगाई सबको। क्वालिटी का, यानी कि वहां पर कैरियर प्रोटीन है, जिसके पास में पासबुक होगा, पास होगा, हाँ भाई सोडियम तेरे पास है, पास आ जाएगा, कैल्शियम तेरे पास है, आ जाएगा, सबके लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन ना, पीबी का ही नहीं, एचजी का है ही नहीं ना, तो सोचो ना, कुछ हेवी मेटल टॉक्सिक वाले आ गए, प्लांट को नुकसान पहुंचा देते। इसलिए एंडोडर्मिस ने बोला नहीं, हम चेक पॉइंट लगा के बैठे, हमारे पास खूब सारे कैरियर प्रोटीन है, सर हर सेल में कैरियर प्रोटीन होता है, होते एनसीईआरटी भी बोलता है हर में होते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर पूरी तरह से चेकिंग होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर लगा कैस्पेनिस्टिक, पानी जब भी आएगा अंदर से होकर आएगा, जब भी आएगा अंदर से होके आएगा, तो मिनरल्स भी तो उसी के साथ आएगा, तब पकड़ में आ जाओगे, नहीं तो बाहर बाहर भाग जाते। तो सोचो ना, अगर कैस्पियन स्ट्रिप नहीं होता, पानी के साथ बैठा मिनरल्स, कॉर्टेक्स में एपोप्लास्ट, एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट ना, पेरिसाइकल एपोप्लास्ट, जाइलम में बैठा, ऊपर पहुंची, अरे टॉक्सिक मेटल्स, इसलिए बोला गया एंडोडर्मिस,
पानी अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो चेक करना अच्छा वाला आ रहा है खराब वाला आ रहा है, क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी। क्या एनसीईआरटी में नहीं लिखा है? यहाँ पर बच्चा पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाता है, फिर बच्चे को समझ में नहीं आता क्या लिखा है सर, क्या मतलब है। देखो देखो ना, लिखा ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ इंडोडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट, डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन बनेगा। वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब बताया ना नंबर, एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट यानी क्वालिटी, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में आपको बताया गया होगा। नोट दैट द रूट इंडोडर्म इज बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन है ना पानी अंदर से जाएगा, एपोप्लास्ट से आ रहा है, अब अंदर से आएगा ना, बोले हाँ अब बेटा आएगा तो मैं तुझे कंट्रोल भी करूंगा, किसे आना है नहीं आना है मैं डिसाइड भी करूंगा। चलो बताओ किसे किसे याद क्लियर हो गया, फटाफट बोलिए फटाफट बोलिए, ठीक है। चलो अब नया चीज सिखाता हूं, अब नया चीज सिखा रहा हूं, एनसीईआरटी इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में जहां तुम फंसते चले जाते। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, ये रूट, स्टेम, दिस इज द लीफ, ठीक। तू बेटा रूट में, रूट इपिडर्मिस में कैसे आया, रूट हेयर लिया, इपिडर्मिस में आया, मोस्टली एक्टिव, ठीक है। यहां अब आ गया कहां, जाइलम में, अब कहां गया, जाइलम में, जाइलम में आ गया, एक्टिवली मिल लिया है, मिली कहां से है, एक्टिव, जाइलम में आके बैठ गया। अब ट्रांसपिरेशन पुल से ऊपर चल जा, टेंशन मत ले, ट्रांसपिरेशन पुल पैसा नहीं मांगता, पानी खींचेगा ना, पानी के थ्रू ऊपर चल जाना, बोले ठीक एकदम पहुंच गए। और यहां जा करके सर कहां जाना है, मिनरल बोलेगा कहां जाना है, अरे जो अभी नया सेल बन रहा है, जो सीड बन रही है, जो फ्रूट बन रहा है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो सिंक है, उनको जरूरत है, वहां जानना है। सर लीफ में चले जाए, चला जाए, वहां मेसोफिल सेल को दे देना, फोटोसिंथेसिस कर रहा है बेचारा, चले चले गए। अब एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, ये लीफ है और ये है आपका मिडरिब यानी जाइलम, ये है वेन यानी जाइलम और फ्लोएम, मिडरिब वेन जाइलम फ्लोएम होते। मिनरल्स आ गया, मिनरल्स आ गया, और मिनरल्स भैया यहां बाहर रिलीज हो गया, मिनरल्स बाहर रिलीज हो गया, मिनरल्स बाहर रिलीज हो गया, ठीक। अब जिस सेल को जरूरत है, मान लो ये मेसोफिल सेल है, मान लो ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है, ऑलरेडी इसके पास मिनरल्स है, ऑलरेडी इसके पास मिनरल्स है, फिर वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन लेगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन लेगा तो कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, कहां एक्टिव, कहां पैसिव, कहां एक्टिव। शुरू से रिकॉल करो, मिट्टी से रूट हेयर में, रूट हेयर में मोस्टली एक्टिव, रूट हेयर से कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस जाते जा रहे हैं। अब यहां से इंडोडर्मिस ने उसे कहां भेज दिया, पेरिसाइकल, अब गया जाइलम, जाइलम में टेंशन नहीं है, पानी खिंचाएगा तू भी पड़ जाना, हाँ चले गए कोई टेंशन नहीं है, पहुंच गए वहां जाके लीफ में पहुंच जाना, लीफ के मिडरिब से निकलना, लीफ से वेन से निकलना, और आराम से घूमते रहना। जिस सेल को जरूरत होगा, सेल के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ऑलरेडी मिनरल्स ज्यादा होते हैं, फिर भी उसे जरूरत है फोटोसिंथेसिस करना है, ए एमएन चाहिए, सीएल माइनस चाहिए, गार्ड सेल है, पोटेशियम चाहिए, तो अपने आप तुझे बुलाएगा, उसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा है, तेरा कम है, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ बच्चा कितने बार कंफ्यूज करता है, यहाँ पर बच्चा जब पढ़ता है तो बार बार कंफ्यूज नहीं करता, देखो तो ध्यान से एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पास, द चीफ सिंक, सिंक मतलब जहां पहुंचना है, फॉर द मिनरल एलिमेंट आर ग्रोइंग रीजन, जहां वो ग्रो कर रहा है, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू, नए लीफ जो फ्लावर बना रहे, फ्रूट बना रहे, सीड बना रहे। अब क्या होगा, अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स, जाइलम में गया, मिडरिब में गए, वेन में गया, अनलोड कर दिया गया। अब क्या होगा, देखो ध्यान, फाइन वेन, छोटे छोटे वेन से निकल गए, थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूज करके निकल गए, ज्यादा था बाहर कम थे निकल गए, एंड एक्टिवली अप टेक बाय दिस, तो है ना कंफ्यूजन, है ना कंफ्यूजन, मेसोफिल सेल में ऑलरेडी ज्यादा है फिर भी लेगा, सीड में ऑलरेडी ज्यादा है तब भी वो लेगा, तो ये हो गया एक्टिवली। चलो तो मेरे में से यहां तक आप लोगों को क्लियर है, एक चीज जो बच्चा कंफ्यूज करता है, सर मिनरल जो जाता है वो कहां से जाता है, जाइलम से, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, आंसर इनऑर्गेनिक, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा, अगर नाइट्रोजन की बात करें
नाइट्रोजन की बात करें, ये नीट में आया था, कंट्रोवर्सियल था, बच्चे ने गलत किया। नाइट्रोजन कहां से जाएगा? सबसाइलम से जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन मोस्टली ऑर्गेनिक फॉर्म में जाएगा, वो एमाइड्स के फॉर्म में जाएगा, वो एमाइनो एसिड के फॉर्म में जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया जाएगा। नाइट्रोजन जाइलम से जाएगा, लेकिन मोस्टली नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म, एमाइनो एसिड, एमाइड ऑर्गेनिक फॉर्म में जाएगा, कुछ ही नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में जाइलम से ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी में लिखा है। क्या आपको दिखा, क्या आपको यहां पर दिखता है? एक मिनट, क्या यहां पर दिखा आपको? फटाफट बोलो हाँ या ना। क्या एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ मिला? देख लो वहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलो इसी तरह से फास्फोरस और सल्फर मेनली इनऑर्गेनिक में जाएंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म में जाइलम से जा सकते। तो ये पहले माना जाता था कि जाइलम से जाएगा इनऑर्गेनिक, फ्लोएम से जाएगा इनऑर्गेनिक, ऐसा नहीं। और जाइलम फ्लोएम एक दोनों के साथ साथ है, तो दोनों में एक्सचेंज भी होते रहता है। ये जाइलम का पाइप, ये फ्लोएम का पाइप, दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज भी करते रहते हैं। इसलिए ये कहना आप गलत है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि जाइलम से इनऑर्गेनिक, मोस्टली इनऑर्गेनिक बोलिए, करेक्ट है। ये बोलिएगा इनऑर्गेनिक, केवल इनऑर्गेनिक, गलत स्टेटमेंट। फ्लोएम से मोस्टली ऑर्गेनिक, करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन इनऑर्गेनिक भी चाहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। चलो यहां तक मेरे में से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। एक काम करो, तुम्हारा एक ही बचा ना फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाला, बाकी मैंने सारा कवर कराया। एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक वीडियो दे देता हूं, बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि इसमें टाइम दो, 5 मिनट में बता नहीं सकता, इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। तो जैसे मैं फटाफट 5 मिनट में रिलेट कर देता हूं, 5 मिनट में रिलेट कर देता हूं। देखो ये रूट, ये स्टेम, और दिस इज द लीफ, ये लीफ। खाना कहां बना? सर खाना लीफ में बना, शुगर लीफ में बने, ठीक। कहां पहुंचना है? सर पहुंचना है रूट में, तो रूट सिंक, और ये बेटा सोर्स, सोर्स जहां से खाना चलेगा, सिंक जहां खाना पहुंचेगा, तो सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। तो सर सोर्स कौन है, सिंक कौन है? कंफ्यूज नहीं होना। सर सोर्स लीफ है, सिंक रूट है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट। सर क्यों? खाना तो लीफ में बना, खाना लीफ से चला और रूट में पहुंच गया, तो क्या गलत स्टेटमेंट हुआ? नहीं, गलत, पार्शियली ट्रू है लेकिन गलत है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सर क्यों? कुछ दिनों के बाद डेसीडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ है, लीफ गिर जाएगा, लीफ फॉल कर जाएगा, लीफ फॉल कर गया, खाना सारा कहां स्टोर था? रूट में। खाना कहां स्टोर था? रूट में। अब बारिश का मौसम आया, नए बर्ड्स बने, यानी से अभी नया लीफ बनना है ना? तो अब बताओ, अभी लीफ नहीं है बच्चा, सारा लीफ फॉल हो चुका है, अब नए लीफ आने स्टार्ट हुआ। नया लीफ बोलेगा, ये हम तो खुद ग्रीन कलर के नहीं है, हमें तो पहले क्लोरोफिल बनाना है, खाना भी चाहिए ना, डोला करके। तो रूट बोलेगा, टेंशन मत ले, मैं खाना स्टोर करके रखा हूं, स्टोरेज ऑर्गन नाम है मेरा, मैं खाना तुम्हें भेज रहा हूं, टेंशन मत ले, तू अपना पढ़ाई कर। तो यहां पर देखो, स्टोरेज ऑर्गन हो गया सोर्स, और लीफ हो गया बच्चा सिंक, लीफ हो गया सिंक। पहले क्या था? अब वही कुछ दिनों के बाद मैच्योर लीफ बन चुका है। तो देखो ना, अब खाना कौन बनेगा? मैच्योर लीफ। और खाना कहां भेजा जाएगा? रूट में। तो ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। ये तुम्हारे पापा और ये तुम, ये तुम्हारे पापा, ये तुम सिंक, पैसा चाहिए, पापा पैसा कमाया तुम्हें दिया, पापा सोर्स तुम सिंह। 10 सालों के बाद में अच्छा डॉक्टर बनोगे, तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए, पापा रिटायर हो गए, तुम बेटा सोर्स हो गए, पापा सिंह हो गए, तुम सोर्स हो गए। रिटायरमेंट के बाद पापा के पास पैसा नहीं है, तुम बेटा कमा के दोगे, अभी तुम ले रहे हो, अभी तुम सिंह हो,
पापा सोर्स है, 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद तुम सोर्स रहोगे, पापा सिंक रहेंगे। तो कौन सोर्स है, कौन सिंक है? हाँ सर, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। इंटर कन्वर्टेबल कोई भी हो सकता है, डिपेंड सीजन पे डिपेंड करेगा। अगर ग्रोइंग सीजन है, लीफ बना हुआ है, खाना लीफ में बना, रूट में आया, सोर्स लीफ, सिंक रूट। हाँ, लीफ फॉल हो गया तो अब नया लीफ बनने की बारी आई, नया लीफ, नया क्लोरोफिल, नया एनर्जी चाहिए। तो रूट स्टोरेज ऑर्गन सोर्स और नया लीफ सिंक बना, तो दे आर इंटरकन्वर्टेबल। मेरे में से समझ में आना चाहिए, ठीक है, मेरे में से समझ में आ जाना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये कैसे होगा, एक लाइन में मैं बता दूं, ये लीफ है, इसने खाना बनाया। मेरे विषय सबसे बेस्ट तरीका कि मैं एक अभी लेक्चर आपको भेज देता हूं, बस वो लेक्चर को कर लेना। मैंने काफी डिटेल से उसमें ओपी का कॉन्सेप्ट आएगा, डीपीडी का आएगा, पॉजिटिव टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा, साई डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा, साई एस का आएगा। तो मैंने पूरा रिलेट कर दिया, पूरा रिलेट कर दिया। 2 मिनट में पढ़ने से अच्छा है कि उसको थोड़ा डिटेल में कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। अब मैं भी थक गया, तुम लोग भी थक गए, मैं भी थक गया बोलते बोलते, तो बेटर है कि वहां से देख लीजिएगा। मेरे से चैप्टर इंटरेस्टिंग, थोड़ा टाइम देते तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। तो मैं ये लिंक भेज दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, ठीक है।